चलिए मैं बात करते हैं अगली खबर की। देश के अलग अलग इलाकों से प्रवासी मजदूरों का पलायन जारी है, लेकिन अब सभी सरकारें पैदल जा रहे मजदूरों के पलायन को लेकर सख्त रुख अपना रही हैं और पैदल जाने वाले लोगों को रोककर शेल्टर होम में भेजा जा रहा है, जहां से उन्हें बस या ट्रेन द्वारा उनके गाँव और राज्य तक छोड़ने की प्रक्रिया जारी है। लेकिन दिल्ली से सटे फरीदाबाद में शेल्टर होम में रह रहे प्रवासी मजदूरों ने फरीदाबाद प्रशासन पर आरोप लगाया कि प्रशासन उनकी ओर ध्यान नहीं दे रही है, यहाँ खाने पीने की सुविधा नहीं है। उनका कहना है कि वो यहाँ नर्क से भी बदतर हालात में रह रहे हैं। यहाँ करीबन 250 मजदूर हैं नेहरू कॉलेज बॉयज में, और व्यवस्था इनके लिए अंदर सबकी एकोमोडेशन है, उसके अंदर रखा जा रहा है। अभी खाने का पानी का सब व्यवस्था जो है करी जा रही है। इनका लगातार आरोप है कि ना पीने के लिए पानी दिया जा रहा है ना, और 3 सालों से खिचड़ी दी जा रही है। खिचड़ी ये गुरुद्वारे से जो हमारे को बना हुआ मिल रहा है वो हम इनके लिए प्रोवाइड करवा रहे हैं, और पानी की व्यवस्था इधर टैंकर खड़ा है तो, और पानी उधर भी है। तो क्या क्या जो है जो संस्थाओं के अलावा क्या सरकार की तरफ से या किसी विधायक की तरफ से कोई मायने कुछ नहीं है? नहीं, उसकी मेरे को जानकारी नहीं है। तो अभी जो है क्या नाम है इनके साथ, इन्हें कब तक रखा जाएगा, कब छोड़ा जाए? ये अभी इनका जाना है सहरसा बिहार में। तो ये आपको कहाँ से लाए हैं, आपको कहाँ से जो है रोका है? यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू महाविद्यालय में हम लोगों को कल से रोका हुआ है, और कोई देखने वाला भी नहीं है जो क्या है न है। हम लोग जाएंगे कि नहीं जाएंगे कोई ये भी बात नहीं। तो खाने पीने का इंतजाम कैसा था? खाना पीना के लिए पर कल 3 बजे खिचड़ी दिया है लोगों को, और रात में भी खिचड़ी दिया है, अभी वो खिचड़ी दिया है। पानी तो बहुत हल्ला किए हैं तो अभी पानी आया है, कल से ना है यहाँ, ना लेट्रिन का ना बाथरूम का।